अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है हमारे इटली के एक क्लाइंट जिन्होंने इटली के लिए अपना प्रोसेस यहाँ यूएई से प्रोसीड करवाया था। इनका नेम है वकार। तो इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इटली का प्रोसेस जो ये हम हमारे थ्रू करवा रहे हैं उसकी जर्नी कैसी गुजरी इनकी। अस्सलाम वालेकुम वकार, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी वकार, सबसे पहले ये बताइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं बेसिकली पाकिस्तान रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से कंप्लीट किया है 2023 में। और फर्दर क्या स्टडीज करना चाह रहे हैं आप? मैं फर्दर अपनी मास्टर्स करना चाह रहा हूँ स्ट्रेटजी एंड सिक्योरिटी में, और उसके लिए मैंने इटली को चूज़ किया एज रिकमेंडेशन ऑफ WSL कंसल्टेंट्स। तो WSL कैसे, क्यों चूज किया आपने? WSL कंसल्टेंट के दो पॉइंट्स हैं इसलिए मैंने इनको चूज़ किया। एक तो इनके जो कंसल्टेंसी चार्जेस हैं वो वेरी नॉर्मल है, और दूसरा ये कि इनका जो रिस्पांस टाइम है, क्योंकि सम टाइम कंसल्टेंट आपको रिस्पांस नहीं करते, उनको आप मैसेज करते हो तो वो मोस्ट ऑफ टाइम वो डिले करते हैं। तो एज़ कम्पेयर WSL कंसल्ट को मैंने जब भी मैसेज किया, एक तो इनका रिस्पांस टाइम वेरी फास्ट है और क्विक रिस्पांस है, इसलिए आई थिंक टू प्रोसेस विद द WSL कंसल्टेंट। तो आप थोड़ा सा बताएंगे आपका प्रोसीजर कैसे स्टार्ट हुआ, एडमिशन प्रोसेस के टाइम कितनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी आपने? मैं आया था बेसिकली ऑस्ट्रिया के लिए अप्लाई करने के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट आफ्टर माई असेसमेंट ऑफ माई प्रोफाइल WSL कंसल्टेंट ने मुझे रेकमेंड किया कि आपकी जो प्रोफाइल है वो इटली के लिए बेहतर है। तो मैंने एज रिकमेंडेशन ऑफ WSL कंसल्टेंट तो मैंने इनको एक्सेप्ट किया, तो मैंने उसके लिए इटली के लिए प्रोसेस स्टार्ट करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, पीसा एंड पादुआ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा, जिनमें से मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा में एक्सेप्टेंस लेटर हुआ मेरा, और जिस सब्जेक्ट मेरा स्ट्रेटजी एंड सिक्योरिटी में। ठीक है, तो एडमिशन लेटर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा से जी रिसीव हुआ, जी राइट? यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा। तो एडमिशन प्रोसेस कैसा गुजरा आपका, कैसी गाइडेंस थी और किसके साथ कांटेक्ट में थे आप, टीम ने कैसा गाइड किया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस हिना शौकत का, जिन्होंने जो एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में होती हैं उन्होंने एज फर्दर जैसे भी मुझे मुकम्मल गाइड किया। जो भी प्रोसेस था हर स्टेप पे उन्होंने मुझे गाइड किया, ये नहीं है कि ये आप कर लें ऐसे कर लें, उन्होंने मुकम्मल गाइड किया और मुकम्मल मेरी हेल्प की। तो आप यहाँ यूए से प्रोसेस कर रहे हैं, आपको कुछ कोई ऐसी डिफिकल्टीज आई हो कि टीम यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान से, आपसे वो कांटेक्ट में है, या मिसकम्युनिकेशन, या कोई ऐसी चीज जो आपको लगा? नहीं, ऐसा कुछ भी मिस कम्युनिकेशन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मिस अनफाल भी है यहाँ पे, हैं दुबई में, और जो एडमिनिस्ट्रेशन टीम है इनकी वो पाकिस्तान में है। तो मुझे कोई भी प्रोसेस करते वक्त कोई परेशानी मुश्किल नहीं आई। तो जैसे एक तो इनका कोई रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती तो इनको मैं फ़ौरन मैसेज करता और मैम हिना मुझे फौरी रिस्पॉन्स करती। तो अभी एडमिशन लेटर आपको रिसीव हो गया है, फर्दर क्या स्टेप कर रहे हैं आप और उसमें टीम कैसे गाइड कर रही है आपको? मेरा अभी जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है एम्बेसी की अपॉइंटमेंट वगैरह, और एम्बेसी के लिए जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैम ने मुझे चेकलिस्ट सेंड कर दी है, और मैम फर्दर मुझे गाइड कर रही है कि आप ये ऐसे प्रोसेस कर, मतलब कंप्लीट डिटेल्स, कुछ भी अगर मुझे लिटिल स्मॉल थिंग भी पूछनी हो तो मैं विदाउट एनी हेजिटेशन मैम से मैं मैसेज कर देता हूँ, और उन्होंने नेवर माइंड, कभी उन्होंने माइंड नहीं किया और मुझे फौरी रिस्पॉन्स किया। तो अभी आपका ये डॉक्यूमेंटेशन आप कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, राइट? जी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह मैं अपॉइंटमेंट बुक करूँगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इटली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन बेसिकली उनको एक हेजिटेशन है, एक हेजिटेशन उनको ये है कि यूएई में कुछ उनको कोई एक अच्छा कंसल्टेंट नहीं मिल रहा, और एक होता है प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी, सब क्लाइंट्स आपको पता यही चाहते हैं, स्टूडेंट आप भी, आपके सामने भी आपका प्रोसेस सारा ट्रांसपेरेंट था, यस तो आपका प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट था, आप उसको वो कुछ आप डिस्कस करना चाहेंगे स्टूडेंट्स मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करूंगा कि आप WSL कंसल्टेंट से अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। एक तो यहाँ पे मैंने देखा है कि आपका जो भी प्रोसेस है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपकी ईमेल आईडी से आपको जितना भी प्रोसेस है वो आपको करेंगे, आप यूनिवर्सिटीज में जितना भी अप्लाई होगा आपकी ईमेल के थ्रू होगा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई हुआ है, यहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर आया है। इवन मेरी एक फ्रेंड है उनको, उन्होंने भी एक कंसल्टेंट से अपना प्रोसेस करवा रही है,
बट उनका कंसल्टेंट उनको कोई मैसेज का रिस्पांस नहीं दे रहा, तो जिस वजह से वो बहुत परेशान है। वो मुझे मैसेज कर रही है, तो उनको भी मैंने रेकमेंड किया है शायद वो भी आपसे कांटेक्ट करे। तो मैं रेकमेंड यही करूँ, मेंटली आपको कोई टेंशन नहीं होती और आप इजीली अपना प्रोसेस WSL कर सकते, क्योंकि आपके सामने वो सब कुछ हो रहा होता है, आपको पता होता है कितने टाइम लग रहा है कितना टाइम नहीं लग रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका जब प्रोसेस हुआ था, आपने अपनी ईमेल आईडी दी थी या WSL कंसल्टेंट ने आप खुद से मतलब कंपनी की ईमेल आईडी से आपका अप्लाई किया नहीं था नहीं क्या? WSL कंसल्टेंट ने मुझे बोला था कि आप कोई अपना न्यू ईमेल आईडी बना के हमको दे, जो आपके पास भी लॉगिन रहेगा और हमारे पास भी, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ जिस तरह उन्होंने अप्लाई किया मुझे मालूम हो रहा था, आज इस यूनिवर्सिटी में हो गया नेक्स्ट इस यूनिवर्सिटी में होगा, और जैसे ही कोई एक्सेप्टेंस लेटर आ रहा था मुझे मालूम हो रहा था। मीन्स आप खुद भी अपनी ईमेल आईडी पे एक्टिव थे, जी आप बिल्कुल देख रहे थे कि आपका प्रोसेस किस तरह से हो रहा जी। है, राइट? तो अभी आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है और फर्दर अब आपका वीजा का प्रोसेस यहाँ से होगा। जी बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट मेरा अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है इंशाल्लाह। मैस ही ना मुझको प्रॉपर गाइड कर रही हैं, जैसे जैसे जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एम्बेसी को वो मुझे बता रही है मुकम्मल। मैं उम्मीद करूंगी कि फर्दर भी आपका जो वीजा का प्रोसेस है उसमें भी आप ऐसे ही सेटिस्फाई भी रहे टीम से। तो अभी लास्ट पे आप जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं जो कि प्रोसेस करना चाहते हैं, स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन वो अभी कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे या कोई भी प्रोसीजर नहीं करवा पा रहे कि उनको कुछ इश्यूज लगते हैं यहाँ पे, जैसे वो फ्रॉड के होते हैं कि पता नहीं हमें सही रिस्पॉन्स मिलेगा या हम सही तरह जो है वो वहाँ से रिस्पॉन्स ले पाएंगे या नहीं। तो उनको लास्ट पे आप कोई मैसेज देना चाहेंगे और एक ओवरऑल अपनी एक जर्नी के बारे में आप बताना चाहेंगे? मैं जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो अप्लाई करना चाह रहे हैं मास्टर के लिए बेशक बैचलर्स के लिए, उनको रेकमेंड करूंगा कि आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप WSL कंसल्टेंट से रब्ता करें। एक तो आपका प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहेगा और आपका जो इनकी कंसल्टेंसी चार्जेस हैं वो भी नॉर्मल है, इतने ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंसल्टेंट्स। वो आपको पहले क्या देते हैं, इतने थाउजेंड दे देते हैं, 1000 इनके तो नॉर्मल मुनासिब जो कंसल्टेंसी चार्जेस हैं वो हैं, और जितने भी हैं विदाउट एनी हेजिटेशन वो इनके साथ रब्ता करें। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस मेरा भी बहुत अच्छा जा रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आपका भी बहुत अच्छा जाएगा। और फर्स्ट इनका जो फर्स्ट स्टेप है, एक तो जो असेसमेंट करते हैं वो बहुत अच्छी है इनको। मैंने तो कहा था कि मुझे ऑस्ट्रिया जाना है, बट उन्होंने प्रोफाइल को असेसमेंट किया, इन्होंने मुझे रेकमेंड किया इटली के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह शायद मैं ऑस्ट्रिया के लिए अप्लाई करता तो नहीं होता, इटली के लिए किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया प्रोसेस। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच वकार, थैंक यू और इंशाल्लाह फर्दर भी आपका प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। थैंक यू इंशाल्लाह। वेरी मच। थैंक यू मैम।